कैसे हो बच्चे लोग? बिंदास बोलो क्या है? और क्या बोलते हैं? उठा फर्स्ट क्लास, चल उठा फटाफट। अरे रोमियो, तुम लोग की आंखों की खुजली मिटी की नहीं? अरे हाँ भाई राजन भाई, अपन किसी को भी देखकर आंखों की खुजली मिटा लेंगे, मगर आपकी आंखों की खुजली का क्या होगा, क्योंकि अंजलि और वर्षा तो दिखी नहीं रही हैं। अरे अंजलि जलता हुआ अनार और वर्षा सावन की कड़कती हुई बिजली। भाई हाँ बोल। वो देख तेरी वाली आ गई। आकाश कहाँ है? आई डोंट नो। चलो आंखों की खुजली मिटाएं। अरे अरे स्वीटहार्ट, इतनी जल्दी भी क्या जाने मन, जरा आंखों की खुजली तो मिटने दो। देखो हमारा रास्ता छोड़ो। अरे जाने मन, रास्ता क्या, हम तो आपके लिए दुनिया छोड़ने को तैयार हैं। चल अंजलि। ओए जाती कहाँ है? चली दाल छोड़ो इस नाम को। मैं इस तरह क्यों इस बिल्ली को अभी ऑफ करता हूँ? आजा मेरी जान। ओए कौन है बे? कौन है बे तू? हाथ क्यों लगाया मुझे? हाथ नहीं बे, लात बोल, लात। लात तेरी तो। करता सर, द्रौपदी का चीर हरण होने के बाद। ओए तू अपने आप को कृष्ण का अवतार समझता है? जी। ओए सुधर जा, खोदे दे पुत्र, वरना। वरना क्या सर? वरना मैं बिगड़ जाऊंगा। चलो चलो गो टू द क्लास। चलिए भाई, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू पुत्र। थैंक यू सर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। हेलो। अरे महेश बोल रहा हूँ। अरे महेश कैसा है तू यार? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा सुन, विजय आज इंडिया पहुंच रहा है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बल्लू तुझे अपना वादा तो याद है ना? अरे यार तुझे मेरी याददाश्त पे शक हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि विजय और अंजलि शादी के पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ ले। अरे शुभ घड़ी का तो मुझे कब से इंतजार था। तुझे पता है मैंने अपनी विल भी बना दी यार। विल? कैसी विल? तू जिस तरह मुझे सरप्राइज देता है, उसी तरह मुझे भी सरप्राइज देने का हक है कि नहीं, बाद में बताऊंगा। ओके ओके। एंड डोंट वरी, खोज जाऊंगा एयरपोर्ट और उसे ले आऊंगा। बाय बाय, सी यू सून, बाय।
Who's he? My friend from India, Balu. Okay. Very dear friend of mine. अरे सुनती हो, सविता, अंजलि, बलदेव. अरे बलदेव तो मैं खुद हूँ. जयदेव, शोभा. क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं है. अब जो होगा अब होगा. हमारी बेटी की शादी होगी. अरे वाह, तुम लोगों ने अभी से कपड़े पहनने शुरू कर दिए. ओफो, हम पड़ोस में जा रहे हैं शादी के लिए. अब बताइए भी. अरे विजय आ रहा है अमेरिका से. विजय आ रहा है. हमने जब उसे पहले देखा था कितना छोटा सा था. लेकिन 15 साल बाद हम उसे पहचानेंगे कैसे? अरे लाखों में एक होगा हमारा जमाई. प्लेन से उतरेगा और फट से पहचान लूंगा. क्या कहते हो जयदेव? जी भाई साहब. यार ये जी भाई साहब से आगे. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ तो अरे अंजलि कहाँ है? अंजलि. वाह दीदी, क्या लग रही हो? अंजलि मेरा बच्चा. डार्लिंग, कुछ दिनों के लिए तुम कॉलेज में गुटली मारो, क्योंकि तुम्हारे बचपन का साथी विजय तुम्हारा जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है. लेकिन डैडी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती. हर लड़की पहले यही बोलती है, लेकिन डैडी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती. और डैडी भी कहा कहते हैं कि अभी शादी करो, पहले जानो पहचानो फिर शादी के लिए हाँ कहना. क्या कहते हो जयदेव? जी भाई साहब मत बोलना. ठीक है डैडी, लेकिन विजय को रिसीव करने मैं जाऊंगी. क्यों? ताकि अपनी नई जिंदगी में पहला कदम रखने से पहले मैं भी तो उसे समझ सकूं. अब ये देख कैसे लेने का. ये जाड़ी है, तू कौन सी डालेगा? अपन काले को डालेगा भाई. साला अगर वो खड्डे में नहीं गया तो समझ ले तू वो खड्डे में जाएगा. हेलो. हेलो, मैं मकड़ा भाई बोल रहा. विजय नाम का लड़का यूएसए से इंडिया आ रहा है. तो उसको वापस भेज दो क्या? नहीं, अंजलि उसे रिसीव करने जा रही है. तो जान देना, अपन नहीं मना करेंगे उसको. ओ मकड़ा भाई, विजय को किडनैप कर लो. हाँ तो किडनैप करके फिर क्या करूँ? उसको डिनर पे लेके जाऊँ कि पंडित बुला के दोनों के फेरे करवाऊंगा? तो फिर अभी काय को फोन किया? अच्छा अच्छा, टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा. Yes, I'm Vijay Chopra. Madam is there. This way, please. अरे मकड़ा भाई, ना लड़की आई ना अमेरिकन, किसी और को उठा ले क्या? तेरे कान के नीचे दूंगा उठा के काला पहाड़. ये सैर सपाटे को आया क्या? पैसे जितना लिए उतना काम कर देगा. हेलो. Yeah, that's right. Vijay Chopra, son of Mahesh Chopra, and you? Hi, I'm Anjali, daughter of Mr. Baldev Narayan. Hey, what nonsense? इसमें nonsense वाली क्या बात है? मैंने तो सिर्फ तुम्हें wish किया है. Wish? Yes, USA में लोग ऐसे ही wish करते हैं. ये USA नहीं, India. तो क्या यहाँ लोग एक दूसरे को wish नहीं करते? Wish करते, लेकिन किस नहीं? लेकिन मैंने Bollywood की जितनी भी फिल्में देखी हैं, उनमें तो सिर्फ किस ही किस हैं. खैर, आपका ये अंदाज अच्छा तो है, पर समझ में नहीं आया. चलो, सब समझ में आ जाएगा. ओके, लेट्स गो. आए सेठ, मैं बोलने लाये मकड़ा भाई. अरे यार, आधे घंटे के ऊपर हो गया है इंतजार करते करते. वो अमेरिका की फ्लाइट तो कब से आके चली भी गई होंगी. साले सब पैसेंजर अपने घर जाके जूने पुराने हो गए. वो तेरा छोकरा विजय और अंजलि कहीं दिखते ही नहीं है. अपने अपने हिसाब से ड्यूटी पूरी दिए ला, समझा ना, पैसा पूरा मांगता है. बात खलास, चल बैठ. आगे पहाड़, पीछे घुंघरू. अरे क्या भैंसा लाइफ में मेरा. Thank you.
भैया मरवाओगे क्या? नौकरी खतरे में आ जाएगी, मैं तो संगम हूँ, सब लोग वहाँ हैं। आई सी साला, आपका होने वाला साला। खुश रहो। अरे जीते रहो बेटा, वेलकम टू इंडिया। सच कहा था आपने, लाखों में एक है हमारा विजय। अरे क्यों नहीं होगा, मेरे यार का बेटा है, अमेरिका में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है, लेकिन परवरिश ओहो 100% हिंदुस्तानी। बेटे तुम्हें देखने के बाद कहना पड़ेगा, मेरे दोस्त महेशु ने तुम्हारी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। महेशु? महेश चोपड़ा तुम्हारा बाप। ओ मैं छिछोरा। मैं छिछोरा, ये कैसा नाम हुआ यार? मैं छिछोरा नहीं अंकल, मैसी चौरा। महेश का शॉर्टकट मैसी और चोपड़ा का चौरा। यूएसए में डैड को सभी लोग मैसी चौरा के नाम से ही जानते हैं। अच्छा हुआ मैं यूएसए नहीं गया, वरना मेरा नाम बलदेव नारायण के बजाय बैड आयन हो जाता। क्या कहते हो बलदेव जी? भाई साहब। अरे यार ये जी भाई साहब से आगे बढ़ा ही नहीं। जी अच्छा हुआ तू जी पे अटक गया, मुझे लगा तुझे भी इसकी बीमारी लग गई। आप लोग बाहर खड़े हंसते रहेंगे क्या? विजय इतने लंबे सफर से आया है, उसे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? चलो हाँ चलो चलो चलो, कमान एवरीबॉडी कमान। एक घंटे से भी ज्यादा हो गए ड्राइव करते हुए। तुम्हारा घर शहर से दूर है क्या? बस आ गया है। अंजलि पिछले आधे घंटे से तुम यही कह रही हो कि बस आ गया है, बस आ गया है। क्या करूं, आदत जो है। मिस्टर विजय आपका लगेज। What? तुम्हारे यहाँ कोई सर्वर नहीं है क्या? तुम्हारे आने की खुशी में सबकी छुट्टी कर दी गई है। But why? अंदर चलो बताती हूँ। Oh God! Where is uncle? Where is auntie? मेरा मतलब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? विजय शादी हम दोनों को करनी है, और इसलिए मैं तुम्हें घर वालों से दूर फार्म हाउस पर लेकर आई हूँ, ताकि हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे के ख्यालात को अच्छी तरह समझ सके। और जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ न ले, अपने अपने परिवार वालों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। और हाँ, तुम्हारे इंडिया आने की खबर तुम्हारे डैडी तक पहुँच जाएगी। वाव, वाव, ये तो और भी अच्छी बात है। यहाँ में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, और हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जान सकते हैं। मिस्टर विजय, जानकारी का मतलब एक दूसरे के नेचर से। तो मैंने कब कहा कि फिगर से है? डोंट बी स्मार्ट, बाथरूम उधर है, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं लंच रेडी करती हूँ।